डे 15 की एडवांस्ड बुकिंग को देखने के बाद मनोज देसाई बोलते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जवान फिल्म ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस का नंबर कैसे कलेक्ट कर दिया है और आज से पहले बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऐसा नंबर किसी मूवी ने नहीं दिखाया था। जवान फिल्म ने डे 15 के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया से काफी ज्यादा बड़ा नंबर कलेक्ट कर लिया है और इस नंबर में 500 करोड़ नेट हिंदी करके ये बता दिया है कि शाहरुख खान के सिवा बॉलीवुड बेकार है और शाहरुख खान ही ऐसे ग्लोबल स्टार बन चुके हैं जिसने पूरी दुनिया से 950 करोड़ रुपए कमा के बॉक्स ऑफिस के ऊपर तेल का मचा दिया है। जवान फिल्म का क्रेज कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस मूवी ने ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके पूरे बॉलीवुड को हिला दिया है। पठान के बाद शाहरुख खान दूसरी ऐसी फिल्म देने में कामयाब हो चुके हैं जिसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1000 करोड़ करने की तैयारी पूरी कर दी है। और दोस्तों, जवान फिल्म इंडिया की नंबर वन फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म को राजनेताओं की तरफ से भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है और इस मूवी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। वहीं साउथ में भी इस मूवी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और ये मूवी अच्छा नंबर साउथ से कमाने में भी कामयाब हो चुकी है। जवान ने इंडिया में एक ऐसा ग्रोथ दिखाया है जो कि शाहरुख खान की पठान मूवी ने भी नहीं दिखाया था। दोस्तों, जवान फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ एक ऐसा राजनीतिक संदेश भी देती है जो कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए। वहीं इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन भी हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल कर देते हैं। डायरेक्टर एटली कुमार ने शाहरुख खान के साथ मिलकर जो फिल्म बनाई है, इस फिल्म ने हर किसी को दीवाना बना दिया है और हर कोई विक्रम राठौर की तारीफ करता हुआ नजर आता है। सच बताइएगा, आपने जवान फिल्म कितनी बार देखी है और विक्रम राठौर के राजनीतिक संदेश के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लाजमी लिखिएगा। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हैं तो FFU को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर आपको शाहरुख खान और उनकी आने वाली हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहेगी। आपको पता लगता रहेगा कि शाहरुख खान कौन सी बड़ी तबाही मचा रहे हैं। धन्यवाद।